हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो BSc सेकेंड ईयर का टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरल रूट, यानी कि पार्श्व जो जड़ें होती हैं उनका विकास किस प्रकार होता है वो आज हम पढ़ेंगे। जो डेवलपमेंट लिटरल रूट्स होती हैं वो एंडोजिनस होती हैं, अर्थात उसका जो निर्माण है या जो विकास है वो पेरिसाइकिल से होता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे मुख्य जड़ होती है, ठीक है, मुख्य जड़ से हमें पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट्स, या पार्श्व जो जड़ें होती हैं उनका जो विकास होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। आपको लेयर्स अगर याद हों तो सबसे बाहर होती हैं एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद में एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, और फिर उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जो पार्श्व जड़ें हैं उनका निर्माण पेरिसाइकिल से होता है, ठीक है। डेवलपमेंट फ्रॉम परमानेंट टिश्यू, ये जो डेवलप होती हैं या जो लेटरल रूट का विकास है वो परमानेंट टिश्यू यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं उनसे होता है, और इनकी संख्या, इनकी पोजीशन मातृ कोशिका की वैस्कुलर बंडल की संख्या और स्थिति पर निर्भर करती है। कैसे करती है, जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि दो वैस्कुलर बंडल हैं, यानी कि दो जड़ के अंदर दो जाइलम हैं और दो फ्लोएम हैं। तो अगर दो जाइलम और दो फ्लोएम हैं तो जाइलम और फ्लोएम के बीच से पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अगर तीन हैं, अगर तीन जाइलम हैं और तीन ही फ्लोएम हैं, अर्थात तीन वैस्कुलर बंडल हैं, तो जो जाइलम के सामने से पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अगर चार है, वैस्कुलर बंडल की संख्या यदि चार है, तब भी पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति जाइलम के सामने से ही होगी। और अगर चार से संख्या अधिक है, अगर वैस्कुलर बंडल की संख्या चार से अधिक है, तो याद रखें पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति फ्लोएम के सामने से होगी, न कि जाइलम के सामने से, ठीक है। तो पार्श्व जड़ों की जो संख्या है और जो पार्श्व जड़ों की स्थिति है वो वैस्कुलर बंडल की संख्या और उनकी पोजीशन पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी डायार्च है, यदि जड़ें डायार्च हैं यानी वैस्कुलर बंडल की संख्या दो हैं, तो लेटरल रूट का निर्माण जाइलम और फ्लोएम के बीच से होगा। यदि टायार्च है, टेट्रार्च है या पेंटार्च है, तो लेटरल रूट का निर्माण प्रोटोजाइलम के सामने से होगा, यानी जाइलम्स के सामने से होगा। और यदि पॉलियार्च कंडीशन है तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन फ्लोएम के सामने से होगा, न कि जाइलम के सामने से, ठीक है। ये जैसे पोजीशन है, ये रूट कैप है और ये जड़ है, तो जड़ के पेरिसाइकिल से इस तरह से साइड में बाहर की तरफ इसमें पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है। पेरिसाइकिल में भी कौन सी कोशिका से होता है, पेरिसाइकिल में जिस कोशिका से इसका निर्माण होना होता है, जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, जड़ों जड़ की एंडोडर्मिस है ये, ठीक है। इसके अंदर पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल की वह कोशिका जो पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति करेगी वह मेरिस्मेटिक हो जाती है। मेरिस्मेटिक अर्थात तो वह विभ्योतक बन जाती है, ठीक है। विभ्योतक का अर्थात होता है जो विभाजित होती रहती है ना, तो जो पेरिसाइकिल की कोशिका है वो विभाजित होती रहती हैं। उसमें फर्स्ट जो डिवीज़न होता है, पहला जो डिवीज़न होता है वो पेरिक्लाइनल होता है। तो दो तरह के डिवीज़न होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, एक डिवीज़न होता है वो एंटीक्लाइनल होता है और एक जो होता है वो पेरिक्लाइनल होता है। पेरिक्लाइनल यानी परिधि के चारों तरफ लंबाई में, है ना। तो लंबाई में पहला डिवीज़न लंबाई में होता है और नीचे की तरफ इसमें कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर एंटीक्लाइनल डिवीज़न भी होंगे और प्लस पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होंगे। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों के डिवीज़न से क्या है कि कोशिकाएं बढ़ती रहेंगी और बाहर की तरफ दबाव बनेगा। बाहर की तरफ दबाव बनेगा, उससे क्या होगा, धीरे 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 जिस तरह से बाहर की तरफ दबाव बनने लगेगा, उसका जो एंडोडर्मिस है या एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पर भी दबाव बनेगा। ये जैसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस आ रही हैं, तो बाहर अंदर से पेरिसाइकिल से दबाव बनता जा रहा है और कॉर्टेक्स में चली गई सारी कोशिकाएं। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस या कॉर्टेक्स से होते हुए एपिडर्मिस की तरफ चली जाती हैं, एपिडर्मिस टूट जाती हैं और इस तरह से ये लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और लेटरल रूट्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने आज पढ़ा है वो है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट, ठीक है। अब हम अगर शूट की बात करें तो शूट में भी तो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, पार्श्व शाखाएं होती हैं, लेकिन शूट के अंदर इन पार्श्व शाखाओं का निर्माण
पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस से नहीं होता है, वो वहाँ पे जो निर्माण होता है वो कॉर्टेक्स से होता है। कॉर्टेक्स से होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जड़ हैं, लेटरल ब्रांचेज हैं, वो एग्जोसिनस होती है, ना कि एंडोसिनस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अगर हम एक बार वापस से रिवाइज करें कि जो पार्श्व जड़ें होती हैं वो एंडोजीनस होती हैं, वो पेरिसाइकिल से उनका निर्माण होता है, जबकि जो शूट होते हैं उनके अंदर जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उसका निर्माण किससे होता है, एग्जोजीनस होता है, यानी कॉर्टेक्स से होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उन पार्श्व जड़ों की जो स्थिति है, पोजिशन है, वो डिपेंड किस पे करती है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पे डिपेंड करती है। यदि वेस्कुलर बंडल्स की संख्या दो है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में से पार्श्व जड़ें निकलेगी। अगर वेस्कुलर बंडल की संख्या ट्राईआर्च है, टेट्राआर्च है या पेंटार्च है तो हमेशा प्रोटोजाइलम के सामने से पार्श्व जड़ें निकलेगी। यदि पॉलीआर्च कंडीशन है, यानी कि पाँच से अधिक संख्या अगर वेस्कुलर बंडल की है तो हमेशा फ्लोएम के सामने से पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होगी। फ्लोएम के सामने जो पेरिसाइकिल आएगी उससे होगी। ठीक है, अब पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति के लिए पेरिसाइकिल जो होती है वो मेरिस्मेटिक हो जाती है। मेरिस्मेटिक होने के बाद उसमें पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीज़न होने लगते हैं और इससे क्या होता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस पे दबाव बनता है। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस से दबाव की वजह से जो एपिडर्मिस है बाहर की तरफ वो टूट जाती हैं और टूट कर जो है वो नया एक पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे पार्श्व जड़ें क्या होती हैं, तो पार्श्व जड़ें जो होती हैं उनके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, फिर रूट हेयर्स जो है वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया, आप डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट, जो छोटा सा टॉपिक है और आपकी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।